चुनाव प्रचार में अकबरपुर चेयरमैन पद प्रत्याशी खड़ी हुई है। इनसे अकबरपुर की जनता जानना चाहती है कि ये क्या नया विकास समीकरण लेके आए हैं जो चेयरमैन पद प्रत्याशी अगर उनका सीट मिलती है तो ये क्या नगर का क्या विकास करेंगे। नगर की जनता जी हमको सेवा करने का मौका देती है तो सबसे पहले जो नगर में हमारे जाम की व्यवस्था लगी रहती है, आने जाने वाले लोग परेशान होते हैं, उसके लिए जो जाम की व्यवस्था का हम लोग निदान करेंगे, उसके लिए व्यवस्था बनाएंगे। नंबर दो, जो जाम भराव की व्यवस्था हो जाती है, पूरे नगर में जल भरा रहता है, सड़क पर इधर पानी फैला रहता है, हम जल निकासी की व्यवस्था को तत्काल कराने काम करेंगे। और सफाई व्यवस्था तो जगह जगह कूड़े का ढेर लग करके गंदगी पैदा कर रहे हैं पूरे नगर में, उस गंदगी को दूर करते नगर का जो जितने भी कूड़े की व्यवस्था वो अलग से हम व्यवस्था कराएंगे ताकि नगर में गंदगी ना होने पावे। और जितने भी हमारे कार्ड धारक लोग हैं और कार्ड धारक के लिए जो है जगह जगह पर वार्ड वाइज हम जो है चौपाल लगा करके और चौपाल के माध्यम से जो हम पात्रता श्रेणी में जो बीपीएल के लायक होंगे, बीपीएल जो अंत्योदय के लायक होंगे अंत्योदय, तो इस तरीके से कार्ड का वितरण किया जाएगा, उसमें कोई धांधलीबाजी नहीं होने पाएगी। और टोटल जो है वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन जो पूर्ण रूप से किसी का पास तक नहीं मिला है उसकी व्यवस्था, हमारी इस नगर पालिका में तमाम ऐसे लोग जो अभी भी झुग्गी झोपड़ी में रहने काम कर रहे हैं, काट पट्टी में रहने काम कर रहे हैं, छपरे में रहने काम कर रहे हैं, उनको आवास की व्यवस्था कराई जाएगी। तमाम ऐसी योजना, जल से हमारी जो पानी की व्यवस्था, सबसे बड़ी दिक्कत पानी की व्यवस्था है, पानी की आपूर्ति ठीक रूप से नहीं हो पाती है, लोग नाला के ऊपर जो है तसला तगाड़ रख करके पानी भर के फिर ले जाके अपने घर में यूज करते हैं। हम साथियों पूरा नगर पालिका में 4 नए ओवरहेड टैंक बनवा करके और पूर्ण रूप से 2 मंजिला 3 मंजिला पानी चढ़ जाए उसकी व्यवस्था मैं करवाने काम करूंगा। और गली गली में प्रकाश की व्यवस्था कराऊंगा, कहीं भी अंधेरा किसी भी गली में ना रहने पावे तो हम पूर्ण रूप से प्रकाश की व्यवस्था करूंगा। और नगर में जितने भी आम जनमानस है सबको सुरक्षा और सबको विकास और सबको भाईचारा बनाते हुए एक साथ लेकर के चलने का पूरा प्रयास करूंगा और करूंगा भी।